अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम, खुश आमदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्टर्स में। तो भाई साहब, उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो रात को मैच था भाई, थोड़ा टेंशन भी हुआ, थोड़ा दुख भी हुआ अगर सच्ची बात कहूँ तो। और मैच हार गए हम लोग। वैसे हम लोग उम्मीद से थे कि शायद हम लोग जीत जाए और सेमीफाइनल के लिए कुछ रास्ता ईजी हो जाए हमारा, लेकिन क्या करें, क्रिकेट है, एक ने जीतना होता है, एक ने हारना होता है। तो इंडियन टीम अच्छी टीम थी, उसकी स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे भाई। हमारे टीम में तो दो तीन कचरा ही खेल रहे थे, एक जाजाई हो गया, एक नजीब हो गया, एक और भी प्लेयर है। तो तीन प्लेयर जो है, मतलब अगर मैं मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा इन तीन प्लेयरों को नहीं लेना चाहिए था। तो मिश्रा जी की वीडियो है, मिश्रा जी ने वीडियो बनाई है मैच पे। अच्छा ये क्या हो गया भाई, ये क्यों लॉक हो जाता है, ये मोबाइल न्यू है। अच्छा, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, इंडिया थ्रेस्ट अफगान एंड बारबाडोस। तो वीडियो है, इंडिया ने जो है सुपर एट में जाने के लिए अपना रास्ता आसान कर दिया। मिश्रा जी की वीडियो है, सॉरी सुपर एट नहीं, सेमीफाइनल जाने के लिए। तो वॉच करते हैं वीडियो को। वॉच करने से पहले हमारे चैनल अफगान एक्टर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। तो भाई साहब प्ले करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो क्या ये मान लिया जाए कि इंडिया सेमीफाइनल खेलने वाली है? यस सर, ये तो मानना होगा। अफगानिस्तान को जिस तरह से इंडिया ने हराया उसके बाद इंडिया के इंडिया ने 181 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर, और अफगानिस्तान की पूरी टीम जो है वो 134 रनों पर ऑल आउट। इंडिया ने अच्छे खासे मार्जिन से अफगानिस्तान को हराया। अब बाबू, ये जीत केवल एक जीत नहीं है, ये सुपर एट की जीत है। उस सुपर एट में जिसमें केवल तीन मैचेस है, इंडिया का एक मैच आज है अगला बांग्लादेश से और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से, एक हम जीत गए 47 रनों से। इंडिया तो जाएगा सर, क्योंकि बांग्लादेश को हराना आसान होगा। और यही सवाल होता है कि क्या इंडिया सेमीफाइनल में, वेल इट सीम्स अ डोमिनेटिंग विक्ट्री बाय टीम इंडिया, एशिया की नंबर एक टीम ने एशिया की नंबर दो टीम। अफगानिस्तान अच्छा खेल रही थी, लेकिन शायद बुमराह, सूर्या, इनका एक्सपीरियंस जो था वो अफगानिस्तान को दबा लेंगे। और इंडिया को सूर्या क्या शॉट मार रहे थे भाई, बंदा हैरान होता है किधर बॉल फेंक के बंदा यार। 0.35 आई मीन दैट्स सम नेट। ये जो जीत है ना, ये इंडिया के लिए बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला और सुपर एट में चांसेस बनाने वाला, क्योंकि अगर नेट रन रेट का सियापा शुरू हुआ कि एक टीम एक मैच जीती है और उनमें कौन जाएगा, तो इस मैच में इंडिया की जीत जो है वो कहानी है। हालांकि गुरबाज ने पहले ओवर में छक्का चौका मारा तो थोड़ा मामला लगा था, लेकिन इंडिया ने बताया कि वो बड़ी टीम है और बड़ी टीम जो है वो अक्सर अपने एक्सपीरियंस से बड़े प्रदर्शन करती है। वेल, इंडिया ने तो अफगानिस्तान को हरा दिया, लेकिन क्या इंडिया के लक्षण वर्ल्ड कप जीतने वाले लग रहे, जीतेगी? वेल, यहाँ बताने से अच्छा प्रभु बता, प्रभु इंडिया का पहला ओपिनियन बेस्ड ऐप जहाँ पर आप मैच देखते हो, मैच बीच में अक्सर ऐड भी आते हैं। लिंक हमने यहाँ दिया है, इस पर क्लिक कीजिए और प्रोवो पर जाइए और सिर्फ आसान सवाल करते हैं, क्या इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी? बहुत सारे नॉकआउट में इंडिया का तो रिकॉर्ड इतना खराब है, बंदा क्या कहे। फर्स्ट ओपिनियन बेस्ड ऐप है, 2 करोड़ से अधिक यूजर है, रेप्यूटेड ऐप है और इंस्टेंट विड्रॉल भरोसे लायक ऐप है। सिर्फ यहाँ क्लिक कीजिए, अफगानिस्तान को हमने जिताया। आगे आप बता दीजिए, रोहित शर्मा आईसीसी टूर्नामेंट्स में जलवा जलाल के बैठे। आपको जानकर हैरानी होगी कि रोहित शर्मा ने आज तक आईसीसी टूर्नामेंट में सिर्फ 3 मैच में हार हुई है, सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट। हालांकि ये अलग बात है कि ये मैचेस जो हैं, ये जो हारी है इंडिया, लेकिन रोहित शर्मा एक कैप्टन के तौर पर, एक लीडर के तौर पर लेजेंड बनते जा रहे हैं। रोहित शर्मा अलग लेवल पर जा रहे हैं, 21 मैच खेले जिसमें 18 मैचेस जीते, सिर्फ 3 मैच। वन ऑफ द फाइनेस्ट रिकॉर्ड हिटमैन का है, तो है रिकॉर्ड भाई। लेट्स जस्ट होप कि ट्रॉफी जो है वो इंडिया के करीब आती है। हालांकि ट्रॉफी करीब आनी चाहिए क्योंकि बुमराह जैसा गेंदबाज हमारे पास है, 4 ओवर 1 मेडन 7 रन 3। अब तक 15 ओवर गेंदबाजी किए बुमराह ने इस वर्ल्ड कप में, 8 विकेट निकाले हैं, 2 मेडन डाले हैं, 3 T20s। दैट्स जसप्रीत बुमराह इनसेन। अफगानिस्तान जैसी टीम के सामने जहाँ पर हरदीप सिंह को छक्के चौके पड़ रहे थे, बाकी गेंदबाजें पिट रहे थे, पहले ओवर में उसको पड़े, लेकिन कि बाकी सारे बॉलर जो दो तीन ऐसे ओवर प्लेयर थे, बस मजा आ जाता है नजर आ रहे थे बुमराह के साथ। मतलब इंडियन बॉलर को देख लो, हरदीप ने 4 ओवर 36 रन पिटवाए, आपके कुलदीप ने 4 में 32 रन, आपके रविंद्र जडेजा ने 3 ओवर में 20 रन,
लेकिन बुमराह 4 ओवर 1 मिनट 7 रन 3 सात विकेट टॉप तोड़े, ऊपर का विकेट तोड़ा, मतलब जो इंपॉर्टेंट होता है, विकेट तोड़ा, गुरबाज का विकेट तोड़ा, और ये वो प्लेयर हैं जो अफगानिस्तान को जिता सकते हैं। तो क्लास ऑफ ग्रेट मैन एक बार फिर डिलीवरी दिखाई पड़ी और बड़े मोमेंट पर बड़े खिलाड़ी हुए और सर बड़ी बुमराह ने बुमराह इस वर्ल्ड कप में अलग है। आयरलैंड के सामने 2 विकेट 6 रन देकर, पाकिस्तान के सामने 3 विकेट 14 रन देकर, USA के सामने नहीं चले थे बट अफगानिस्तान के सामने अगेन 3 विकेट 7 रन, दैट्स जस्ट बीट बुमराह, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर टू होल्ड वाइड। इनफैक्ट कोई बॉल किया बुमराह का कोई मैच नहीं, बुमराह करंट जनरेशन के सबसे महान लीडिंग विकेट टेकर फॉर इंडिया इन T20 वर्ल्ड कप, और ये बुमराह का मान। हर्षदीप भी ठीक थे, शुरू में पिटे, बाद में अच्छी रिंग की, 3 विकेट निकाल दी, कुलदीप ने अच्छी गेंदबाजी की, मौका मिला था, अक्सर अच्छे थे, कमाल के रहे। जडेजा भी ठीक थे, ओवरऑल इंडिया ये मैच में जलवा जलाल था, सिर्फ एक इशू था रोहित और विराट की फॉर्म, रोहित और विराट खेले के 2-3 विकेट बहुत जल्दी गिरे, फ्लॉप रहे हैं, लेकिन उसकी भरपाई सूर्य ने की टफ कंडीशन में। सूर्य कुमार यादव ने 27 बॉल पर शतक लगाया और यही डिफरेंस 160 तक स्कोर होता तो शायद चेजेबल होता, हालांकि राशिद खान 170-180 रन चेज करना चाहते थे, हमें लगा था हम कर लेंगे लेकिन नहीं कर पाए। बट मेरे हिसाब से ये मैच जो था ये टफ मैच था और इसमें डिफरेंस जो था वो सूर्य कुमार यादव के ऊपर। हार्दिक पांड्या ने भी कमाल की बल्लेबाजी की, 24 बॉल 32 रन, 3 चौके 2 छक्के और अपना इंपैक्ट जो है उन्होंने वर्ल्ड कप में छोड़ा। 98 मीटर का एक छक्का उन्होंने मारा था, इस वर्ल्ड कप में वो अच्छा खेल रहे हैं। आयरलैंड के सामने भी अच्छी गेंदबाजी की थी, पाकिस्तान के सामने अच्छी गेंदबाजी की थी, USA के सामने गेंदबाजी के तौर पर कमाल थे और इस बैटिंग के तौर पर कुछ इशू था तो रोहित विराट की फॉर्म वो आ जाएगा, वो आ जाएगा बड़े मैचेस में, सेमीफाइनल और फाइनल में टाइम के दोनों भी कमबैक करेंगे और जबरदस्त परफॉर्मेंस जो है वो दिखेगी। क्या होगा क्या नहीं होगा देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल इंडिया का जलवा जलाल है, इंडिया जीती है, लेट्स जस्ट होप कि बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया को भी मनाएं और फिर फाइनल शान से खेलें, जीत कर आएं यार आगे और इंग्लैंड से बदला लें, वेल होना तो ही चाहिए, इंग्लैंड को हराना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को भी इंडिया के तो बहुत बदले रहते हैं, सारे बदले लेने होंगे। तो ये थी वीडियो, अच्छा इंडिया के बहुत सारे बदले रहते हैं, इंडिया सॉरी इंग्लैंड में भी रहता है, ऑस्ट्रेलिया में भी रहता है, इन सब से बदला लेना होगा। और कहते हैं ना सबका बदला लेगा तेरे पेजल, सबका बदला लेगा तेरा रोहित शर्मा। तो मैच हुआ अफगानिस्तान उसी से इंडिया का, जो कि अफगानिस्तान पहले जो शुरुआत के बॉलिंग की तकरीबन 6 ओवर तक ये ऐसा तो तक आप कह सकते हो अच्छी बॉलिंग की, उसके बाद जब सूर्या कुमार यादव आया भाई साहब थोड़ा भी टेंशन नहीं लिया, थोड़ा तो प्रेशर ले लेते भाई, थोड़ा तो कम स्कोर बना लेते 20-25 और ये यही स्कोर तो कम बना लेते, लेकिन क्या है कि उन्होंने बहुत तेज़ बैटिंग की, साथ में पांड्या ने भी साथ दिया तो 180 रन बन गए और 180 रन अच्छी टोटल, अब बहुत ही अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा टोटल है जो कि फाइटिंग से भी ऊपर स्कोर है इस पिच पर। तो इंडिया जीत गई मैच और जहाँ तक इन्होंने पहली बात की कि इंडिया सेमीफाइनल खेलेगा भाई, मैं तो कहता हूँ कि शायद फाइनल तक भी जाए लेकिन सेमीफाइनल तो खेलेगा, क्योंकि अगला मैच बांग्लादेश के साथ है वो जीत जाएगा और ऑस्ट्रेलिया का तो मैं नहीं कह सकता लेकिन बांग्लादेश तो जीत जाएगा। तो क्योंकि इंडियन टीम बहुत मजबूत टीम है, बहुत बड़े बड़े नाम है, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स है भाई, इसे प्लेयर 18-20 बारों में 50 बना लेता है, शुरुआत के 3 प्लेयर आपके टॉप के अच्छे प्लेयर आउट हो गए लेकिन फिर भी जो है 180 तक स्कोर गए, क्योंकि पीछे अच्छा बैटिंग लाइन है, 8-9 तक बैटिंग लाइन। तो हमें पता था कि इंडिया जीत जाएगा लेकिन सोचा, उम्मीद तो थी लेकिन डर भी था कि भाई साहब नहीं जीत सकते, वो बहुत अच्छी टीम है क्योंकि बुमराह जैसे बॉलर है उनके पास, हर्षदीप है, वो मुझे वो बहुत पसंद है, क्या नाम है वो स्पिनर जो है यू करके जो फेंकता है। तो इंडिया जीत गई मैच, सबको पता था कि इंडिया जीत जाएगा लेकिन उम्मीद भी थी अपनी टीम से, फिर भी हमारी टीम अच्छी खेल रही, सुपर 8 में आ गई है, एक दिन आएगा सेमीफाइनल खेलेगा फिर सेमीफाइनल के बाद फाइनल खेलेगा, ये तो वक्त की बात है। तो ये थी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल अफगान रिएक्टर्स और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।